Well, I started with just a woman supporting another woman. It was amazing to see the kind of focus that Gunjan had. एक सपना था उनका और वो चाहते थे कि सपने को वो बड़ी पर्दे पर लेके आए. So for a woman that was so passionate about, you know, her dream, making it come true, मैंने सोचा कि I should support someone like this. And that's how it started. कहानी सुनी, सिर्फ मेरी नहीं बाकी की चार कहानियां भी सुनी और लगा कि कुछ अलग है. मतलब जो लोग कहते हैं ना थोड़ा सा हटके, पर ये वाकई बहुत हटके था और आप सब जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा. सो इट वॉज समथिंग दैट ट्रिगर्ड दैट दैट आई सेड ओके ये तो करना ही है. वेल सबसे इम्पोर्टेंट था तो गुंजन हर टाइम रोती रहती थी ऑन सेट. मतलब ये हुआ अरे मैं कैसे कर पाऊंगी, आंसू आंसू आंसू. मतलब पूरी ड्रामा क्वीन तो गुंजन थी, लेकिन शूटिंग में हमें बहुत मजा आया बिकॉज इट वॉज मोर ऑफ स्मॉल यूनिट थी, सो इट वॉज मोर ऑफ अ फैमिली एटमोसफियर और कहानियाँ बहुत अच्छी थी. सो एवरी सिंगल पर्सन इज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू फिनिशिंग द फिल्म, गेटिंग इट डन एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हाउ इट कैन लुक एज अ होल. ऑलमोस्ट लाइक जैसे लेबर पेंस होती है ना माँ को बच्चा पैदा करने से पहले, तो खुशी भी होती है, एक्साइटमेंट भी होता है कि आज मेरा बच्चा कब रिलीज होगा. इसीलिए मेरी डीपी में भी, मेरी व्हाट्सएप डीपी में एक प्रेग्नेंट की पिक्चर है, मेरी फिल्म में जो मैं दिख रही हूँ उसकी पिक्चर है और सब मुझसे पूछते हैं आर यू एक्सपेक्टिंग, आर यू एक्सपेक्टिंग. मैंने कहा आई एम गोइंग टू डिलीवर द बेबी व्हिच इज माय फिल्म. सो आज मैं अपनी व्हाट्सएप डीपी चेंज करूंगी और अब मैं फाइनली अपनी प्रीमियर की पिक्चर दिखाऊंगी क्योंकि मेरा बच्चा रिलीज हो रहा है. इसमें बहुत शिद्दत से, प्यार से, ब्लड से, स्वेट से बहुत सारे लोगों ने सहयोग, आई मीन हिंदी में क्या बोलेंगे, बहुत सपोर्ट किया है. सो मेरी पुश्तों ने भी कभी फिल्म रिलीज नहीं की है, एज इन फिल्म बनाई नहीं है या डिस्ट्रीब्यूशन तो दूर की बात. तो मैं आप हूँ, मैं वो आम इंसान हूँ जिसके मन में सपना होता है कहीं ना कहीं क्रिएटिव एस्पिरेशंस को पूरा करने का. सो यस आई एम एक्साइटेड, माय फैमिली हैज बीन वेरी सपोर्टिव एंड होप. यस मैं नर्वस थी, इसलिए नहीं कि लोग क्या कहेंगे, पसंद करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि ये इतने उतार चढ़ाव जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की, जिसकी मुझे नॉलेज भी नहीं थी, उसके लिए मैं नर्वस थी. सो बट बहुत सारे एंजल्स ने गाइड भी किया, अगर कुछ सांपों ने डसा तो बहुत उससे कई गुणा ज्यादा एंजल्स ने आके सपोर्ट भी किया. जैसे बोलते हैं ना वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जेन्युइनली इट इज. मैं जैसे मैंने बार बार बोला है, मैं इस फिल्म इंडस्ट्री की एक चिड़िया को भी नहीं जानती थी. शुरुआत में मेरे क्रश थे समीर सोनी और उन्हें मैंने इंस्टा से रीच आउट किया. फिर मेरे बचपन के क्रश रहे हैं जुगल हंसराज, उनको कहीं किसी इवेंट पर मिली. सो मैं सिर्फ और सिर्फ यू नो कुछ एक जावेद पठान को जानती थी, जैसे मैं फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा किसी को नहीं जानती थी. बट आप यू ओनली नीड टू नो ए एंड जी एंड देन यू स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स, तो कारवा बनता गया. तो बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहा है. टू आंसर योर क्वेश्चन पारुल, बहुत सारे लोग चाहे वो टेक्निकल डोमेन से हो, फिल्म इंडस्ट्री डोमेन से हो, जो ये बोला जाता है ना कि आपके बाप दादा इस इंडस्ट्री से हो तभी आप अच्छा कर सकते हो. मुझे नहीं पता कि फिल्म क्या करेगी आगे नहीं करेगी, पर आप अपना सपना साकार कर सकते हो अगर आपके मन में सच्चाई. It takes a lot of guts to create what she has created. I'm watching it for two reasons. Number one, I know she is creatively gifted, but more importantly, she is very passionate. Her energy, her passion is unbelievable. I know her personally now for quite a few days now. And I cannot tell you how much I'm looking forward to watch this particular film. Gunjan, I wish you all the best
And yes, needless to say, it's created a lot of flutter. Because of Powell? Yes, and obviously because I'm assuming that the content itself is quite, thought-provoking. You know, slightly, which is genuinely clutter-breaking. Hum sab kehte hain, hamari film alag hai, alag hai. Iski positioning jo hai, wo kafi clutter-breaking hai, disruptive hai. And that's why, you know, I can't wait to watch it. Wish you all the best. Happy? बल्कि जब हम ये फिल्म बना रहे थे तो बहुत मजा आया था और जब मैं ये मुझे अप्रोच किया था गुंजन ने इस फिल्म के लिए तो मैं गुंजन को नहीं जानती थी और मुझे लगा कि पता नहीं इतनी दूर अमेरिका जाओ और कैसे लोग होंगे क्या होगा फिर मैंने गौरव केरा को फोन किया तो उन्होंने कहा मैं भी चांस ले रहा हूँ चलते हैं फिर हम लोग फ्लाइट में बैठे सियाटल के लिए और बहुत लंबी फ्लाइट थी मैंने कहा गौरव क्यों तुमने हाँ बोला इतनी लंबी फ्लाइट चले जा रहे हैं कब पहुँचेंगे खैर जब हम पहुँचे और इन लोगों से मिले सो इट वॉज रियली वंडरफुल द बेस्ट पार्ट दे ऑल आर वेरी ईगर टू मेक एंड क्रिएट स्टोरीज एंड स्पेशली फॉर गुंजन शी वॉन्ट्स टू टेल स्टोरीज विच एवरीबडी एल्स इज स्केयर्ड और स्केप्टिकल अबाउट टॉकिंग अबाउट those issues of relationships. So that's really wonderful and I'm happy I was part of this film and I'm very happy that it's releasing finally. ये दिन आए और तकरीबन 14 साल से टीवी कर रहे थे पर बहुत ही खूबसूरत ये लम्हा है और बहुत ही खूबसूरत ये फिल्म है मतलब आज तक लोगों ने हमें हमेशा विलन के रूप में देखा होगा कभी घोड़े से किसी को दौड़ा रहा हूँ कभी पिस्टल से चला रहा हूँ तो ये बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट के साथ ये फिल्म बनी है और ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला एक्टरों का सपना होता है तो एक बहुत खूबसूरत सा सपना है जो हमारा साकार हुआ वो गुंजन मैडम की बदौलत और या एक ब्लेसिंग वाली फीलिंग आ रही है थोड़ी सी एंजाइटी बट एक लग रहा है कि चलो अपने जिंदगी के पड़ाव में एक राह में एक कदम आगे बढ़ गए नहीं ये बहुत बड़ी बात है देखिए हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में है इतने सालों से है हम लोग एक्टिंग कर ले वही बहुत बहुत बड़ी बात है कि इंसान जो पूरा परिवार संभाल रहा है बच्चे संभाल रहे हैं जो किसी भी तरह से फिल्म इंडस्ट्री से ना कोई लेना देना है ना कुछ है बट आई थिंक गुंजन एक एग्जाम्पल सेट करती है कि इंसान किसी भी चीज को ऑनेस्टी से पैशन से लग जाए तो हर एक चीज बहुत प्यार से और एक मुकाम तक पहुंचाया जा सकता है एंड आई थिंक शी इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट आई डू वांट टू गिव वन क्रेडिट जो मैंने आज तक नहीं दिया मैंने बहुत सारे इंडस्ट्री के राइटर्स को अप्रोच किया मुझे बहुत महंगे राइटर्स भी मिल रहे थे बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा क्योंकि क्या शूटिंग हुई यूएस तो यहाँ से वहां जाने तक पता नहीं क्या होगा कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा ही कांड हो जाए लेकिन लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ बहुत अच्छी बनी है फिल्म जैसे बोला था वैसा ही बनाया है जैसे पेपर पे थी वैसे थी इनफैक्ट उससे बेटर बनी आई थिंक दो खासियत है फिल्म में एक तो कम्प्लीटली ओरिजिनल है हमने ऐसा कोई सीन वैसी कोई फिल्म नहीं देखी होगी सीन वाइज नॉर्मली इतना कॉपी कट पेस्ट वो नहीं है और इतना बोरी टॉपिक किसी ने नहीं छुआ है एंड विद सच सेंसिटिविटी क्लीन है एकदम विदाउट एनी न्यूडिटी जो टॉपिक है उसमें हम इतना रॉन्ग जा सकते थे आई थिंक जब हमें इनिशियली स्क्रिप्ट मिली हम भी डर रहे थे यार क्या करवा पे बट द वे दे डन इट हैट्स ऑफ सिंगल हैंडेडली इंडिपेंडेंट फिल्म आज के जमाने में गुंजन के लिए गुंजन कितने एक्साइटेड है हम एक्साइटेड है आप लोगों का रिएक्शन देखने के लिए आप फिल्म देखोगे हम आपको देखेंगे देखो यार जब आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है लेकिन कुछ मिल जाता है तो कितनी खुशी होती है वही खुशी हमें पता नहीं था कि ये हो जाएगा नहीं यार 2019 की बात है उसके बाद पैंडेमिक आ गया यू डोंट नो व्हाट विल हैपन क्या होगा कैसे होगा मगर रिलीज हो रही है बहुत बड़ी बात और वेरी प्राउड बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म आई थिंक कि मतलब अपनी कोरोना भलवाई को अपनी मिठाई हमेशा पसंद आती है और ये जेन्युइनली हम दिल से बोल रहे हैं कि अगर आपको हट की फिल्म देखनी है और इन सब का काम अरे अरे सबका काम अच्छा है यार नो 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 वी हैव अमेजिंग कास्ट आई थिंक ऐसी कास्ट ऑफ सेटिंग पूरी पूरी कास्ट है विपिन है राजेश है मैं हूँ रायमा है आदित्य है जुगल हंसराज गौरव केरा चिकू आई डोंट थिंक इस लेवल के आर्टिस्ट एक साथ
I think the biggest achievement is Gunjan jo hai, she's very headstrong aur usko pata hai ki karna kya hai, kya chahiye, which I think plays a huge part in making this happen. Bahut sare friends isme jud ke inhone film banayi hai. Gunjan hai aur saath mein Kapil hai. Jab hum USA mein shoot karne gaye the to Gunjan ka ek set of friends hai, they all came together and they said let's create something. I think wo jo feeling hai wo bahut wonderful hai, and to make it happen, uski release bhi acche se karana, aur which is a big feat I feel. Baaki film ke log dekhenge to they will decide how they like it. Thank you for having me here, and congratulations to the entire team. मैंने ट्रेलर देखा था एक्चुअली फिल्म का, और ट्रेलर देखने के बाद मुझे लगा कि दिस इज समथिंग यू नो अ बोल्ड सब्जेक्ट, तो शायद हमारी इंडस्ट्री एक्सेप्ट करे ना करे पता नहीं, लेकिन हाँ ऐसी फिल्में और ऐसा कंटेंट यार इट्स ऑलवेज वेलकम. इट्स अ वेरी डिफरेंट न्यू जैसा ट्रेलर हमने देखा था, बहुत अलग टाइप की फिल्म देख रही है. So I'm very excited and looking forward, and you know, ये फिल्म कब चालू और हमने कब देखी. So I'm very excited and very happy to be here. I know there's a lot of good actors, but मेरा personal pick होगा भाग्यश्री जी. You know, as a kid we have been watching her and you know admiring her film. Our first film मैंने प्यार किया, कबूतर जा जा कैसे भूल सकते. So yeah, I'm looking forward for भाग्यश्री's role and her character. And as the title says, it's like a gray film, so black or white नहीं हो सकती है. It's about lust and desires, love and desire. So yeah, it's something in between. So I'm looking. I have lot of them. Like Sameer Soni is there. He's like one of my favorite I've seen since my childhood. And Gaurav Khera is there. So I think it's going to be fun to watch them.